हर हर महादेव। दोस्तों सुबह की शुरुआत हो चुकी है भोले नाम के साथ के साथ, और हम इधर रुके हुए थे, ये भोले का भंडारा चल रहा है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे हैं, ये लिखा हुआ है शाहजहाँपुर उज्जैन इंदौर, और ये सहारनपुर गांव है। और अब यहाँ से निकलते हैं, सूर्य दादा निकल चुके हैं एकदम, हम तैयार हैं यहाँ से। और दोस्तों सहारनपुर गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये हाईवे है जिस पर हम चल रहे हैं, ये हाईवे मुंबई आगरा हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अब हम बिल्कुल हाईवे के ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, आगे चलते हैं उज्जैन की तरफ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है बताते हैं आपको मुजफ्फरपुर सिटी के अंदर। और इधर से करेंगे चाय नाश्ता, चाय नाश्ते में अब दिखाएंगे आपको क्या क्या है। और यहाँ से फिर चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे यहाँ से। नाश्ते का सीन कुछ ऐसा है, उधर देखो दिलीप भैया खड़े हैं और भैया बना रहे चाय, चाय पीते हैं। और तो भैया की दुकान है कृष्ण किराना स्टोर जनरल स्टोर, और इनकी रेट लिस्ट भी दिखाते हैं आपको। एक गन्ने का जूस का रेट है इन्होंने मिटा दिया है, लगभग सभी मिटा रखे हैं, एक लिख रखा है मौसमी का रेट। और ये नाश्ते का रेट देखो आप, इधर जलेबी है, पोहा है 10 रुपये, कॉफ़ी चाय जो भी कुछ है देख सकते हो आप। और दुकान का सेट ऐसा है, काफ़ी अच्छी तरीके से बना रखी है कुर्सी वगैरह बैठने के लिए। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों नाश्ते में है चाय और पोहा, और यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर नमकीन हर चीज़ में मिला के देते हैं। आप समोसा लोगे तो भी नमकीन मिला के देंगे, पोहा जो भी है जलेबी सब कुछ के अंदर नमकीन मिला के देंगे। इसको इधर बोलते हैं चिवड़ा। और करते हैं नाश्ता तो चलते हैं। तो दोस्तों शाहजहाँपुर सिटी क्रॉस करने के बाद दिलीप भाई को देखा एक मंदिर, उस मंदिर पर जाने के लिए कुछ ऐसा रोड है, बहुत ही प्यारा सीन बन रहा है, मौसम ऐसा सुहाना हो रहा है। और मंदिर आपको दिखाएंगे कि मंदिर कैसा है कैसा नहीं। अभी देखो वो आग कूद के दिख रहे होंगे, तो आगे चल रहे दिलीप भैया, वो उन्होंने साइकिल घुमा ली, हमें भी गैल गैल ऐसे ही ले आए। दोस्तों ये है वो मंदिर, पता नहीं किस भगवान का है, अभी काम चल रहा है, अभी मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, मन पूछा है लोगों से। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा सीन, राइड करने में मज़ा आ रहा आज। तो चलते हैं इधर से निकलते हैं, और वो आपको साधन चलते हुए दिख रहे हों तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये टावर के पास से रोड जा रहा है, इधर चलना है हमको, वो लोग जा चुके हैं, चलते हैं इधर से। वो आपको साधन चलते हुए दिख रहे हों तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये टावर के पास से रोड जा रहा है, इधर चलना है हमको, वो लोग जा चुके हैं, चलते हैं इधर से। दोस्तों ये है वो मंदिर, पता नहीं किस भगवान का है, अभी काम चल रहा है, अभी मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, मन पूछा है लोगों से। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा सीन, राइड करने में मज़ा आ रहा आज। तो चलते हैं इधर से निकलते हैं, और अभी हमें जाना है, वो आपको साधन चलते हुए दिख रहे हों तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये टावर के पास से रोड जा रहा है, इधर चलना है हमको, वो लोग जा चुके हैं, चलते हैं इधर से। तो दोस्तों हम जा रहे थे रास्ते के अंदर से, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुके, तो भैया राइडर मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्ट करना ज़रूर। और उधर एक भैया और है, ये लद्दाख की राइड कंप्लीट करके आए हैं और अपने होम टाउन जा रहे हैं। तो गाइज हम आश्रम में रुके हुए हैं, ये उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर पीछे है, गांव का नाम है सेखड़ी। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।